अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरे पास दो न्यूज़ है, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी सुनोगे बुरी सुनोगे? चलो पहले बुरी सुनाता हूँ। अच्छा ओके, तो बुरी खबर ये है यार कि एक मकान मिला था फाइनली, ठीक है। तो और उसका रेंट वो मतलब अगर फॉर एग्जांपल 10, मैं अमाउंट नहीं बताता, आप लोग कहोगे मन भाई कितना कमा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर वो 10 रुपये का मिल रहा था ना मकान रेंट पे, तो 10 उसकी एक्चुअल कीमत थी मकान की रेंट, मतलब समझो 10 रुपये। तो वो बंदा हमसे डबल ले रहा था कि यार लड़के लड़के हैं तो उनसे रेट लेते हैं ज़्यादा। फिर और कोई मिल नहीं रहा था, मैंने डबल पे भी मान लिया। जब मान लिया तो फिर वो बोल रहा भाई ट्रिपल हो गया, किराया भी उसने बढ़ा दिया, ठीक है, और एडवांस भी इतना दो, बयाना भी इतना दो। और वो लाखों की गेम जा रही थी, आप मैरान ले सकते हो, इतना बिल बना दिया था उस बंदे ने कि किराया इतना, ठीक है, तो सिक्योरिटी इतनी, एडवांस इतना। फिर मेरा दिल खफा हुआ, मैं कि यार ये बंदा तो अभी से दोगलापन कर रहा है, आगे जाके हमारे साथ पता नहीं कैसे चलेगा। तो हमने फिर मैंने फिर वो कैंसिल कर दिया। ये बुरी न्यूज़। अच्छी न्यूज़ सुना दूँ? अच्छी न्यूज ये कि हम लोग हार नहीं मानेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, अभी भी वो नुमान भाई देखे आपने, लंबे नुमान भाई हमारे, उनकी मैंने ड्यूटी लगाई। मैं नुमान भाई कहीं से निकाल के, तो वो बंदा आज थोड़ी भाग दौड़ कर रहा है यार, अल्लाह करे निकल जाए। लेकिन फिलहाल हमने दो काम करने, एक तो जाके नाश्ता लेना है, ठीक है, उसामा के पास चले जाते हैं, नाश्ता लेते हैं। और दूसरा काम ये करना है यार, ठग को देख के आते हैं कि डेरे में ठग तगड़ा हो भी रहा है हमारे ईद का जानवर यार, ये नहीं यहाँ से गया, उसकी खिदमत हो भी नहीं हो रही। चलें देखें जी ठग को। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, मोबाइल तेरा यहाँ से स्क्रीन ऑन है, ठीक है, चल ले चल ले फ्राडी है। अच्छा वैसे आपस की बात है, मैंने उसको बोला यार साइलेंट तेरे पे जो दाढ़ी है ना अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, ये रख। उसको मैंने अभी पर्सनली मशवरा दिया, मैं क्या दाढ़ी रख, देखिए तरह इधर सच में अच्छी लग रही है, बस बाल सेट करा ले तुम दाढ़ी। हाँ। थोड़ी आने दे फिर सेटिंग करवा ले। और दूसरा यार रेवो का रैप आप लोग काफी ज्यादा मुझे बता रहे हो, उनमें से कलर फाइनल करेंगे और इंशाल्लाह मेरा दिल है यार नए घर में, मतलब अगर वो कल मिलता परसों मिलता तरसों मिलता है, नए घर में रैप मतलब कर रहे हैं गाड़ी पे, ताकि वो खड़ी भी अच्छी लगे, ठीक है। तो फिलहाल दो ऑप्शन है, अब्बा की आल्टो और रेवो, कोई एक लेके जाना है। तो मैं डिसाइड किया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 ये लेके जाएंगे, क्योंकि यार जाम जा रहे हैं, वो रश वाला एरिया है और रेवो में थोड़ा फंस जाएगा बंदा, पेट्रोल ज्यादा लगता है। अभी ऐसी बात ही नहीं बताते सबको। स्पाइडर को मैं कजन बुलाया करूंगा, क्यों? बस किसका बेटा, किसी के कीड़ा हो रहा था, किसका बेटा मैं नहीं बताऊंगा। आप लोगों को एक और बुरी खबर दूं? अब क्या रहेगा, मैं एक और बुरी खबर दे दूं? कौन सी? अब देखो हम ऑल्टो किस लिए लेके आए हैं कि पेट्रोल बचेगा। हाँ जी। और इसकी वार्निंग शो हो रही है, पेट्रोल ही नहीं। हाँ। इसकी वार्निंग शो हो रही है, अभी से पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। मैंने पहले बोला पैसे भी नहीं है, एक ना पंप बनाना चाहिए हमें पेट्रोल पंप अपना। इतने लाइक सब्सक्राइब शेयर करो ना कि फिर अनोनिमस की पब्लिक का पेट्रोल पंप हो, यकीन करो मार्केट रेट से सस्ता बेचूंगा, फ्री मार्केट रेट से सस्ता यार, पहले दो दिन सिर्फ। नहीं नहीं, ओवरऑल रेट जो होगा मेरा मार्केट रेट से कम होगा आप लोगों के लिए, और हम उसका नाम भी एनोनिमस की पब्लिक पेट्रोल पंप रखेंगे। बहुत चंगा नाम है। बिले पैसे तो नहीं है, तू रुक जा फिर पंप पे। बेंच के टांग रुक पे क्या काम करूंगा? देख तकरीबन 30,000 तो कमाता होगा बंदा, है ना? इतनी तो है, 30,000 अगर है तू 15 दिन में पेट्रोल के पैसे दे देगा, 15 दिन, ठीक है। छोड़ यार मैं दे दूंगा, मेरे पास कार्ड है, मैं आजमा रहा था सिर्फ, मैं सिर्फ आजमा रहा था, लेकिन बिल्ले ने कहा नहीं जी। हाँ मैं सिर्फ आजमा रहा था यार, अब तो मैं कार्ड से दे दूंगा अगले ने, ये रहा बात ही नहीं, ऐसे छोड़ो यार, अगले ने दिल खफा कर दिया, तूने दिल खफा। मैं सोच रहा था, कंफ्यूज बोलता भाई जान हाजिर, फिर मजा था, कहता मुबीन भाई जान हाजिर, तूने जान हाजिर देख नहीं बोला, तू जान मेरी कोई और है, उसे कैसे हाजिर कर दूं। अभी मैं जाने वाला था लेकिन ऐसी गाड़ी खड़ी है कि देख के मेरा दिल को दुख हुआ थोड़ा सा। अल्लाह देगा चौधरी, अल्लाह देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। मार्केट से भाई नाश्ता लेने हम पहुंच चुके हैं, भाई मुझे बताएंगे कौन सा महीना है? नौवा। भाई मैंने पूछा जनवरी फरवरी मार्च कौन सा महीना है, ये बात पहले करनी चाहिए आपको। नहीं है, मैंने तो ऐसे, मैंने तो ऐसे मिलने के लिए हाथ रखा। हाँ। मिलने के लिए मैंने पूछा कौन सा महीना, कह रहा नौवा। मिलते ऐसे हैं, ठीक है, ये कौन सा मिलना है भाई, कौन सा महीना यार, मिलते हैं कुछ लोग मिलते हैं, कोई ऐसे मिल लेता है दूर से। आप क्या होता है हमारे यार भाई ऐसे मिलते हैं हाथ खोल के। कौन सा महीना है? 10वां नहीं है, 12वां। सॉरी भाई। ओए नाश्ते में क्या लिया, देख तो सही बिले है क्या क्या वो दिखा दे।
बाबा जी ये तो ब्राउन प्याज, ब्राउन प्याज है वो, मिर्चे हैं अंधे। अच्छा अच्छा पालक आलू। अगली चीज दिखा दे, लेंथ खा रहे मेरी। बस यही है और रोटी है। हलीम है, आलू पालक है, ब्राउन प्याज है, सब्ज मिर्चे हैं। हलीम से जो रोटी खाई जाती है ना, मैंने जिंदगी में पहली बार, जिंदगी में पहली बार डेढ़ रोगनी खाया था। जब से मैं होश संभाले मैं आधा आधा हद मारो एक रोगनी बंदा खा जाता है। मैंने डेढ़ खाया था हलीम से, अभी दोबारा जाके खाते हैं। लेकिन पहले जाते हैं थक को देख लेते हैं। हम आ चुके हैं और यहाँ पे शुएब ने बताया यार कि एक गाय है फॉर सेल है, ठीक है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन और सिर्फ 4 लाख। ये माशाल्लाह फ्रेम गाड़ी, ये बार ना मैं चाचू को भेजूंगा अलग से निकाल के। ये देखो माशाल्लाह बचाओ बचाओ। हाँ ये जगह है जी वो, बचाओ बचाओ। अब तो ये जानवर पानी पीते हैं इसमें। कैसे था? ओए बचाओ, ओए बचाओ। ये ना थक किस रहे शेब। ये हमारी प्यारी कानी, ठीक है, तो ये उसके बाद आई थी और ये वो लल्लू, ये खड़ा है ठग। निकालना जरा बार ठग को। ये हमारा ठग माशाल्लाह बड़ा होता जा रहा है। अब तो कुर्बानी के लिए लाए थे इसको, मारेगा देखी। टांग उठा रहे थे फिर ले अब बार। छोटा सा था पहले और अब इसका कलर भी मुझे थोड़ा चेंज चेंज लग रहा है ना। पहले ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन शेड देता था, बाल कम थे। नहीं माशाल्लाह ईद में तो अभी टाइम है, ईद तक ये अच्छा तगड़ा हो जाएगा माशाल्लाह से इसके। ओ चौधरी क्या, ओ चौधरी क्या रह गया चौधरी तू। नहीं आज देख लिया चौधरी ने, टिप्स एंड ट्रिक दिए। अगर बच्चा भाग रहा उसको छोड़ दो, अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तुम भी जाओगे भाई। जगह भी तो देख। नहीं तूने छोड़ दिया तू किसी वजह से। मैं वैसे नहीं कहता चौधरी फारे हो गया, चौधरी खत्म हो गया, मैं तुझे बता रहा हूं बुड्ढा हो गया, जान जान नहीं है चौधरी में। चौधरी का दिमाग भी आजकल जो है ना बिल्कुल ही पता नहीं क्या लड़कियों ने। ये देखो ये लेके जा रहा है इसको, ये देखो भाई तू बांध दे, दरवाजा भी खुला वैसे, बांध दे बांध दे तू उसको, बांध दे छोड़। ये ऐसे लेके जाते हैं देख रहा ना, दूध वाला है ये है दूध वाला बंदा। और तुझे देख लो, वो सुनता भी है उसकी यार। सुनता नहीं है वो, क्या क्या मतलब सुनता उसकी, वो यार खिलाता पिलाता है वो उसको तो वो उसकी सुनता है। वो खींच के लेके गया वो, सुन उसकी भी नहीं रहा था लेकिन उसमें जान है तू भाई। क्या इसकी शादी नहीं हो रही ना, टेंशन ले लेके ये बंदा ना दिन ब दिन। अब तो वीडियो में पैगाम देने लग गया शिव। अच्छा हो नहीं रही कुछ करो। ये इनके चाटने के लिए वो रखी हुई है ना मिश्री, मीठी मीठी। क्या यार मिश्री जिसे चाट के दूध ज्यादा देती है ये। तुझे किसने बोला ये? मैंने सुना था। अच्छा कहाँ से सुना था? गांव में गया था मैं, उधर बंदा भी बता रहे थे। वो भी हजरा मिश्री रखी हुई। यार जी आप बताओ कमेंट सेक्शन में ही क्या है, मिश्री तो ये गलत बता रहे हैं, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में ये है क्या। बाबा जी डेरे से हो गए फ्री, अब चलते हैं जरा नाश्ता मारते हैं। क्या टाइम हो रहा है? 4:37। 4:37 में हमारा नाश्ता होगा, लेट्स गो। अच्छा जी एक गुड्डा और बच्चे देखें कितने पागल हैं। मैं भी ऐसे ही भागता था गुड्डों के पीछे, बहुत यार बहुत शौक था, हद का शौक था, बहुत उड़ाए हैं बहुत। मैं पता क्या करता था, हर तरह का गुड्डा ना चौधरी, हर तरह का उसको ना उठा के रखना और कलेक्शन जमा करनी। अच्छा जो प्यारा होता था ना उसको उड़ाते ही नहीं था यार, कि ये वो हो जाएगा कट जाएगा इसको बचा के पेटी के। अच्छा अब मैं आपको जो अब किस्सा सुना रहा था सुना देता हूँ। मैंने ना जमा करके रखे बहुत ज़्यादा गुड्डे, को 20-25 हो गए, 2 पटला 3 बटला चुक्कल, ठीक है, फरफराटा और परी, मतलब हर कलेक्शन में हर एक गुड्डा और सोने से सोना साफ सुथरा। टेपों वाला होता था ना फटा फूटा टेपों वाला, वो मैं उड़ा ले लेता था। जो नया होता था ना वो मैं बचा के रखता था। अब अपनी पेटी के पीछे बचा के रखे कई महीने तक, बचा के रखे, फिर एक बार दिल किया निकाल के, अब जो भी आता था छुप करके पेटी के पीछे डाल देता था, क्योंकि अब्बा देख लेता था तो अब्बा ने फिर धुलाई लगानी होती थी। पेटी के पीछे डाल दी, एक बार दिल हुआ यार सारे निकाल के देखता हूँ, निकाल के देखे कोई नीचे से चूहे ने कुतरा हुआ, कोई ऊपर से चूहे ने कुतरा हुआ, सारे मेरे गुड्डे जो है ना उगाड़ गए, चूहे खा गए कुतर गए। पता है जब भी हल्की सी भी हिल जुलो ना ये लोग यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, कोई शिकारी मूड ऑन होते, कोई बाहर का बंदा उसका तो यमन का चीता करते हैं फिर ये। चलो यार हम नाश्ता वाश्ता मारते हैं, हो सकता है फिर अब नाश्ते में मैं आपको दिखाऊं ना हम खा, असल में भूखे बहुत है ना, हम खाएंगे ऐसे जानवरों की तरह तो हमें दिखाना मुनासिब नहीं समझता। बात तो सही है यार पब्लिक, सुबह से लाइट नहीं थी और पूरी रात लाइट नहीं थी, फिर रात भी कंप्लेन की थी, सुबह भी जो है वो बिजली वाले भाई जो है वो आ नहीं पाए, अभी आए हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है तो अब जाके बिजली आई है। UPS भी हमारा बंद हो गया था
और देखते हैं फॉल्ट कहाँ था। हाँ जी फॉल्ट कहाँ था? अच्छा तू नहीं बताएगा भाई। बाकी यार इंस्टाग्राम पे न्यू पिक्चर और न्यू रील्स पोस्ट किए हैं तो लाजमी से जाके चेकआउट करना, मजे किए बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा देख के, वर्थ इट होगा, लाजमी से जाइएगा। दी एनोनिमस एक्सी साइलेंट और चौधरी शायद बाहर ही हैं तो मैं जाके देखता हूँ यार मसला क्या था। और आई नो आपको लग रहा होगा यार जब कल का व्लॉग मतलब थोड़ा पिछले व्लॉग चल रहा था तो लाइट इतनी डिम हो गई थी, अभी वापस धूप कैसे आ गई, तो बाबा जी नेक्स्ट डे आइए, फिर लाइट नहीं थी ना, फिर मैंने रात का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये रोड जाता है कौन सी जगह है जहाँ आबादी नहीं हो रही? गुलबर्ग है जहाँ आबादी नहीं हो रही और चौधरी की शादी नहीं हो रही। अच्छा बिजली का क्या मसला हुआ था हम जानना चाहते हैं यार, ये तार कनेक्शन जो ऊपर से आ रहे थे ना वो हिल रहे। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं भाई? अब इतना लेट हो गया ना, यकीन करें हमने छुट्टी मारी है आज, रात भी पूरा और अभी भी दिन में भी, हमने कहा भाई आएंगे तो फिर कोई काम स्टार्ट होगा, बिजली आई इतनी खुशी मिली, अब चार्जिंग कर सकते हैं हम। ऐसे की चार्जिंग भी नहीं है ना मेरे मोबाइल में, तो 20% रह गई। तेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी टिकटॉक पे, कौन सी? वो इस नर को एक मादा की तलाश है, 2.5 लाख व्यूज आया उस पे। इस नर को एक मादा की तलाश है, ऐसे ऐसे कर रहा है। अच्छा जी आप लोग मुझसे इतना सवाल करते हो भाई जब भी मीटअप कहीं पे होता है साइलेंट क्यों नहीं होता, वो साइलेंट आपको खुद बताएगा। यार वो मैं इसलिए नहीं आता, देखो मैं जहाँ पे रश हो ना बंदों का ज़्यादा हजूम वाला, वहाँ पे खुद नहीं आता, धक्का मुक्की होती है ठीक है, और मैं गिर जाता हूँ तबीयत की वजह से, इसलिए मैं आना मुनासिब नहीं समझता यार। इससे मतलब उठा नहीं जाता धक्का मुक्की में, समटाइम आपको भागना पड़ जाता है और रश ज़्यादा हो तो लोग ज़्यादा हों तो इसकी तबीयत वैसे थोड़ी डाउन हो जाती है, आपको पता है जो साइलेंट के साथ इशू है, तो वैसे साइलेंट घर में चिल करता है फिर आराम से, अकेला होता ही है फिर ये अपनी, वो एक दोस्त है इसकी यही है, उससे उसके मिलने चला जाता है, उसको बुला लेते मिलने के लिए। मेरी कौन सी दोस्त है, एक थोड़ी है। मेरी कौन सी दोस्त है, एक थोड़ी है, देख लो। इधर आओ ए, तुम्हें बहुत पसंद किया आवाम ने अपनी अम्मा के पीछे भाग रहे हो तुम, इधर आओ। ये रे जी दोनों टिटके ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो इसके तो कान भी खड़े हो गए छोटे वाले के, बड़े वाले के भी रहते हैं। वही डर क्यों रहा है, इधर 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 डर रहा है, बोना लगा हुआ साइलेंट के पीछे, ये देखो। अच्छा यार अभी ऐसा सीन है, मैं अगर अपने डॉग्स के साथ खेलता हूँ और व्लॉग को करेंगे यहाँ पे एंड, थोड़ा बिजली वाला काम रहता है, थोड़ा गेम प्ले सिंपल बनाऊंगा और बच्चों के नाम यार थोड़े से इनको बड़े होने दो, क्योंकि अभी हमें डाउट है कि ये ही हैं या शी हैं, दोनों के टुनटुने हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा अभी फिलहाल हमें, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो जैसे डिसाइड कर पाएंगे आप लोग इतने ज़्यादा नाम उनमें से कोई नाम लाजमी से रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, अपडेट्स आती रहेंगी, ब्लॉग में आपको आइडिया होता रहेगा लाइफ में क्या चल रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।